इस साल की शुरुआत में पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सुरक्षा उल्लंघन की जांच के लिए गठित एक समिति ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फिरोजपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली की पीठ ने ये भी कहा कि समिति ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए उपाय करने का सुझाव दिया था। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को देखते हुए सीजेआई ने कहा कि पीएम सुरक्षा के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपाय और सुरक्षा उपाय है। ये सुझाव दिया जाता है कि निगरानी समिति गठित की जाए, ब्लू बुक के अनुसार पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाए, वीवीआईपी के दौरे के लिए सुरक्षा योजना बनाई जाए। समिति के निष्कर्षों का खुलासा करते हुए कोर्ट ने कहा, फिरोजपुर एसएसपी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में विफल रहे। पर्याप्त बल उपलब्ध होने के बावजूद वे ऐसा करने में विफल रहे और भले ही उन्हें 2 घंटे पहले सूचित किया गया था कि पीएम मोदी उस मार्ग में प्रवेश करेंगे। इसे ध्यान में रखते हुए समिति ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कुछ उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया था। सीजेआई रमन्ना ने कहा, हम सरकार को रिपोर्ट भेजेंगे ताकि कदम उठाए जा सकें। पीठ ने विचाराधीन पुलिस अधिकारियों को समिति की रिपोर्ट का एक संशोधित प्रति प्रदान करने से भी इनकार कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट।